हमारे देश को आज़ाद हुए 61 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज भी लोगों को अंधकार में जीना पड़ रहा है। क्या मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया में हमारे गांव शामिल नहीं है? करम कोटबानी करी भादल इन गांवों में कुल 700 परिवार रहते हैं। लोगों ने बिजली के लिए कई बार इसकी शिकायत की तथा अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारा गाँव में न के बादलों में आज तक भी बिजली नहीं है। 2 बार 3 बार शुरू करें गया बिजली वाला शुरू कर लें गया कि बादल में खंबा चालू करना छे गाड़ना छे लाइट बंद करें। तो आज तक हमारा गाँव में कई लाई बिजली है। कभी बिजली हो जाए तो हमारा गाँव कहीं भी थोड़ा पानी भी सोई तो आ जाए, कानखुर ट्यूबवेल भी कुरा ले जाए कानखुर का ही, और पानी भी ना बेसी कहीं भी मोटर मेकिन ले आ जाए। तो बिजली के कारण से हम बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। बिजली गांव में होना जरूरी रहना चाहिए। बिजली का हर बार हम कार्रवाई करते रहे तो कार्रवाई भी नहीं हो रही, और कुछ सालों से हम इंदारा में रह रहे हैं। बिजली आए तो हमारा जंगल पर्यावरण भी बचे, तो बिजली आने का जरूरी है। ग्राम भादल में नर्मदा जीवन शाला संचालित है, जिसमें कुल 60 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों को क्या चिमनी ही नसीब है? क्या उनको बिजली नसीब नहीं है? चुनाव बारा मावी कह दे कि आओ यार तुम में आप इना शाला में खमड़ा डाल दी जो कर दी बिजली लाई दी कह दे चुनाव ऐजी वोट जीत ले। 3 दाड़े पस फिर भावे नहीं 5 साल के बाद अभी बिजली करें दौड़ी ना। मैं चाहता हूँ कि ग्राम भादल तथा अन्य गाँव में जल्दी से जल्दी बिजली पहुँचाई जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को अंधकार से छुटकारा मिले। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारी मदद करें। बड़वानी जिले के विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री जिनका नाम है BL चौहान, जिनका मोबाइल नंबर है 8989984106 पर कॉल कर दबाव बनाए, जिससे कि हमारे गांव में जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचे। मैं पवन सोलंकी, ग्राम भादल, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।